Okay. So the subject that we're going to study is human resource management in hospitals. So what do you think? Like, why do we need to study human resource management in hospitals? Why with this, you know, science or the medical study, you're supposed to study human resource also? मैम, बिकॉज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा मेन रिसोर्स है. उसके बिना हम जो और भी रिसोर्सेज है वो इनकम्प्लीट हैं. तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को स्टडी करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और क्योंकि ये नाउ, पहले क्या होता था, पहले आपकी जो मटेरियल और इन सब चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. अब उनको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसका हर चीज में फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक ह्यूमन रिसोर्स को लेके आते हो, आप एक बंदे को अपने हॉस्पिटल में यू नो जॉब देते हो, वो पहले ट्रेनिंग लेगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाएगा, इंडक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी. अब जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली उसमें टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट हो रहा है. यस मैम, है ना. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जिसको ट्रेनिंग दिया वो ढंग से मिले, उसका फर्दर डेवलपमेंट हो और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म टिका भी रहे. अगर नहीं टिकेगा तो क्या होगा? तो फाइनेंस लॉस होगा और मेजरली हमारे काम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. हाँ, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाता है जब तक, फिर आप दूसरा रिक्रूट करोगे, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको उन लोगों को भी सैलरी देनी है जो उसके लिए आपके लिए रिक्रूट करके लाएंगे, है ना. तो ये सारे जब फैक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आएगा, है ना. और दूसरा, एक टाइम लैग भी आ सकता है. भाई, सामने वाले का छोड़ना, फिर दूसरे वाले को ढूंढना, उसको उस लेवल पे ट्रेन करने में टाइम लगेगा, तब तक उसको सैलरी देनी है आपको, यस मैम, है ना. सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू इनकर अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए बहुत सारे रिटेंशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स बनाए जाते हैं, ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के ना जाए. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म तक अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना फ्यूचर देखें. ठीक है. अच्छा, नाउ दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. गिव मी 2 मिनट्स. Give me 2 minutes, okay? In the meanwhile, just go through all the topics and then we can discuss. Okay? Okay. Just 2 minutes. फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग दी एचआरएम मीनिंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये पर्सनल मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, फिर प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स. अच्छा, लास्ट में लास्ट क्लास हुई थी ना इसकी? यस मैम, यस. हाँ, यू वर नॉट देयर, करेक्ट? नो मैम, आई वाज देयर. You were there, okay. तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है ऑलरेडी. आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसका डिफरेंस पर्सनल मैनेजमेंट, यस, डिफरेंस कर लिया हमने, है ना. उसके बाद हम लोगों के पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें उसके कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस ये सारी चीजें होंगी. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके क्या एनरोलमेंट टेक्निक्स होती हैं, वर्क एनवायरमेंट फटीक, मोनोटोनी एंड बोर्डम. ये क्या होता है, वर्क एनवायरमेंट फटीक?
मैम आई डोंट नो अबाउट दिस. ओके, फटीक का मत, फटीक सुना है कभी आपने? FATIGUE जो, नो मैम. फटीक होता है आप जब काम से थक जाते हो, जब आप एक टाइप का मोनोटोनस काम करते हो ना, एंड देन यू आर टायर्ड ऑफ डूइंग इट, करेक्ट? तो इसको हम फटीक बोलते हैं अपने HR की भाषा में. देन वर्क, ये आपका इसलिए बोल रहे वर्क एनवायरमेंट फटीक, भाई आप काम का जो एनवायरमेंट है वहीं से ही आप वो हो, मतलब यू आर एक्चुअली टायर्ड ऑफ दैट. ठीक है, देन मोराल, और उसके बाद कैसे मोराल इम्पैक्ट होता है, सेफ्टी क्या मेजरमेंट्स हैं, ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट्स और हॉस्पिटल फंक्शनिंग. ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं अपने मेन इसमें. ये सब हम कर चुके हैं, करेक्ट मैम? अपने स्क्रीन शेयर नहीं किया. अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मेरी मैंने बुक ओपन की हुई है तो मेरे सामने टॉपिक थे. अच्छा लेट मी नो व्हेन यू कैन सी. मैम हो गई स्क्रीन शेयर. ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये पर्सनल मैनेजमेंट इसका रोल है ना? यस मैम. ठीक है, मीनिंग और ये सब पढ़ चुके हैं, इसका डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिया हमने, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और ये सब. यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. ओके, नाउ दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस का हेल्थ केयर में क्या है? ठीक है, तो इसको एक बार आप पहले सेपरेट करोगे 10 मिनट के लिए, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. ठीक है, ओके मैम. चलो आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर दिस. ये आपने यहां तक खत्म करना है, ये इसका डायग्राम और आपका यहां तक बस, फ्रैक्शनल तक. ठीक है, फिर हम रिजल्ट को पढ़ेंगे थोड़ा. चल योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर दिस. उसके बाद एक्सप्लेन करना है तुमने मुझे रितिका, ये ओके मैम? ओके
मृतिका कॉल डाउन करूं? यस मैम, यस। इजी है, लेकिन पता क्या, जब एग्जाम में आते ना तो हम लिख नहीं पाते, तो इसलिए yes, पढ़ा होता ना तो यू हैव दी कंटेंट टू राइट इन द एग्जाम आल्सो। और एग्जाम में ना इसी तरह से आएगा आपका, ठीक है? एक बार इसको खत्म करो जल्दी से। मैम स्क्रॉल कर दीजिए।
मैम डन। ओके क्लियर हुआ, इजी है? यस मैम। मैम बट ये लास्ट वाला पैराग्राफ मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने भी कॉस्ट एंड हेल्थ कंज्यूमेबल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ड्रग्स हैं, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, या पॉलिसीज हैं, इन सब का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है हेल्थ केयर सेक्टर को। क्यों? क्योंकि नए एड ऑन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और ये सब चीजें जब एड होंगी तो ऑब्वियसली उसको रन करने के लिए पैसे चाहिए ना। यस मैम। और पैसे के लिए हमारे, और अगर हम फिर वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारे इस इंडस्ट्री में, स्पेशली जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि पहले हमारे सारे फंड, सारे इन्वेस्टमेंट इन्हीं लोगों पे लग रही थी, अब और भी जितने हम लोगों ने एडिशनल स्टाफ है, सुपरवाइजर है, नर्स है, नर्स सुपरवाइजर है, या स्वीपर्स है, उन सब की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड किया और उन सबको उस प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ ले जाने का सोचा, तो डेफिनेटली फंड्स भी कहीं ना कहीं बटेंगे। यस मैम। है ना, तो एचआरएम क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, वो यही ध्यान रखता है कि एक तो प्रॉपर वर्कफोर्स माने या बैलेंस वर्कफोर्स बनी रहे, और उसी के साथ साथ लोग जो है वो सेटिस्फाई रहे, है ना, उनकी एफिशिएंसी काफी अच्छी हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो तभी हो पाती है जब हमारे पास एडिक्वेट वे आउट होते हैं अपने लोगों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा अब हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाम सुना है? यस मैम। क्या होता है मैम? बेसिकली ये एनुअल बेसिस पे होता है, इसमें एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक करके उसके हिसाब से उनका इंक्रीमेंट होता है। वेरी गुड, मतलब जो उसका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके उसको कॉम्पनसेट करना, है ना, दैट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, उसको सिस्टमैटिक वे में इस तरह से करते हैं कि पहले सुपरवाइजर को पे मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपेयर इट विद टारगेट्स एंड प्लान्स। उसके बाद सुपरवाइज एनालाइज करेगा कौन से फैक्टर्स हैं उसके वर्क परफॉर्मेंस को जो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन एम्प्लॉयर्स आर इन पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयर फॉर अ बेटर पोजिशन, मतलब उन फैक्टर्स को एनालाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए वर्क फ्रॉम होम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मुझे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मुझे घर में ये चीज के लिए हेल्प चाहिए, yes. और मेरे को उस टाइम पे एक महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम चाहिए चाहिए। तो आपका अगर वो फैक्टर आपके बॉसेस मान जाते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहोगे ना। यस मैम। ना, तो व्हाट इज द ड्राइविंग फैक्टर दैट ड्राइव्स योर परफॉर्मेंस? और ऑब्वियसली आप घर से कर रहे हो, आप खुश हो, आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीजें मिल रही हैं, तो आपको वो मिलता है ना, तो वो फैक्टर आपका उसमें रहेगा, आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो फटाफट से सारे। ठीक है मैम।
इतना पढ़ा Yes, ma'am, done, done, ma'am. ठीक है, इजी है, राइट right? Yes, ma'am, बस done, इसको ये है कि ये अपने पास ना तैयार होना चाहिए, पेपर में जैसे एग्जाम में आए फटाक से लिख दिया, ठीक है, हाँ जी और ऐसे ही आपकी परफॉर्मेंस रिजल्ट, इसको फटाफट से रीडिंग कर लो जल्दी से, 5-10 मिनट, ठीक है, ताकि ठीक एग्जाम है में आएगा ना पूरा टॉपिक ही आपका रेडी है फिर, ठीक है, हाँ जी मैम जस्ट गो थ्रू दिस 5-10 मिनट्स इस पे भी लगा के इसको, बट ये है कि ये पॉइंट वाइज ना आपको होना चाहिए लर्न, मतलब एग्जाम में लिखने के लिए, यस मैम यस ठीक है। सॉरी वन मोमेंट, थोड़ा सा पढ़ बस, हाँ आप पढ़ो इसको। मैम स्क्रॉल कर दीजिए ठीक है, यहीं तक कर लूँ ना, ठीक यस मैम है। मैम डन
ठीक है चलो, ये रितिका अब हम ना थोड़े से ये एक अप्रोचेज हैं, मतलब या मेथड्स बोल सकते हैं इसको, कि ये एग्जाम में ना इस पे क्वेश्चन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड पे, ठीक है, कि किस टाइप के मेथड्स होते हैं। एक जैसे रहेगा मेरा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो इसमें क्या करते हैं जितने भी मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को जिन पे वो फोकस करेंगे ड्यूरिंग द अप्रेजल मेथड। अब जैसे फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन में ना या हर काम में एक अलग अलग वे आउट होता है। जैसे अब जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि आपने आपका कितना, मतलब आपने सेव कर लिया, कितना आपने कॉस्ट सेविंग करी है, कितना आपने रिटर्न्स लाके दिए हैं, कितनी आपकी आरओआई बेटर कराई है आपने, है ना। अच्छा, अगर हम वही चीज मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल में देखें तो डॉक्टर्स के लिए हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, उनकी क्योर हो रही है इनकी इश्यूज या प्रॉब्लम्स या डिजीजेस, और कैसे कैसे वो फर्दर आगे यू नो रिपीटेटिवली आपको ही प्रेफर करते। तो ये हर उसमें ना कुछ अलग तरीके होंगे किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो वो पहले सबसे आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, एंड देन बेसिस दोज मेथड्स या बेसिस दोज मैकेनिज्म या बेसिस दोज फैक्टर्स आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे जो उन्होंने पहले ही फैक्टर कंसिडर किए हैं या डिसाइड किए हैं, ठीक है। ओके मैम, क्योंकि इस बात में फिर ये ना हो ना कि कोई बोले कि यार उसको तो बड़ा ज्यादा मिल गया सैलरी, मेरे को कम मिला है या उसकी ज्यादा ग्रोथ है। बट अगर आपके पैरामीटर्स पहले से डिफाइन होंगे ना तो पीयर टू पीयर एनालिसिस करने में, कंपैरेटिव एनालिसिस करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिस्टमैटिक हेल्प मिलेगी, ठीक है। यस मैम, यस। अब देखो ये जो इन्होंने एमबीओ का वो दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ये वही चीज बोल रहा है कि पहले प्लान किया जिसमें हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, क्या हमारे टाइम कितने टाइमलाइन में, मतलब हम क्वार्टर, मंथली या एनुअली या फिर सेमी एनुअली, जो भी हमारा जो मेजरमेंट का पीरियड रहेगा, एंड देन उस पर्टिकुलर पीरियड में उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, एंड देन फाइनली रिव्यू करके उसको रिवॉर्ड या रेटिंग्स देंगे, ठीक है। यस मैम, क्लियर। ये एग्जाम में जरूर बनाना अगर आता है तो। ओके मैम, ओके। देन वी हैव 360 डिग्री फीडबैक। क्या होता है पता है ये 360 डिग्री फीडबैक? ये पढ़ लो। हाँ तब बताओ, ये पढ़ के मुझे बताओ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके मैम, ये पढ़ के मुझे बताओ फटाफट से। ये मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, एग्जाम में भी याद आता है ये, इसके कंपोनेंट्स भी, ठीक है। फटाफट से पढ़ो।
मैम इसमें बेसिकली हम सबसे वो रिव्यू लेते हैं बेसिकली मैनेजर से कस्टमर वेरी से गुड वेरी गुड पीयर से. एग्जैक्टली बैंग ऑन. सो दिस इज व्हाट 360 डिग्री फीडबैक इज एंड नाउ डेज इट इज वेरी मच इन द ट्रेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? सो दैट एन इंडिविजुअल शुड बिहेव प्रॉपरली विथ एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन. Right? And Yes. how do you treat people? How do you, you know, help to, you know, get your work done? How do you, you know, view your work? How do you view others' work? किसी तरह की कोई negative मतलब competition को नहीं बना रहे. ये सारे factors को ध्यान रखने के लिए 360 degree appraisal आया है. ठीक है? Yes, ma'am. जिसमें आपका client का review, यहाँ तक कि peon से भी पूछा जाता है, पता है आपको? Okay. ठीक है? ओके. नेक्स्ट इज असेसमेंट सेंटर मेथड. इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एक क्लियर पिक्चर मतलब प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है हाउ अदर्स ऑब्जर्व देम एंड बैक उसका क्या पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पे. और इन सब में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, मतलब बेसिकली हम लोग असेस करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज हैं. ये सारी चीजें पहले प्री असेसमेंट में, फिर ड्यूरिंग असेसमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो भी पॉलिसीज पर्पस हैं उसको एक्सप्लेन की जाती हैं, क्या हमारे मैट्रिक्स रहेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी, ये सारी बताई जाती हैं. और पोस्ट असेसमेंट में उससे फीडबैक्स दिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स को वैलिडेट किया जाता है और अगर कोई गैप्स हैं तो फिर फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा पूरा एक एक्सरसाइज होता है जिसमें असेसमेंट सेंट्रल अप्रेजल को यूज किया जाता है. ठीक है? क्लियर? हां जी मैम. यस मैम. ओके. देन वी हैव बार्स व्हिच इज बिहेवियरली कर्ड, हाँ, एंकर्ड रेटिंग स्केल. सो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसको डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में. और इसमें भी अगेन यू नो मतलब क्राइटेरियाज डिफाइन किए जाते हैं दोनों वे में, क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव में, ताकि एम्प्लॉयज को अपने परफॉर्मेंसेस में बिहेवियर्स को भी और अपने परफॉर्मेंस में जो एग्जीक्यूशन है उसको वो इस तरह से इनकलकेट करें कि वो जो रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस है या मतलब वो जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आप उसको मीट कर पाओ. ठीक है? तो अब yes. जैसे कौन, उसमें भी ये दिखाया जाएगा कि कौन से आपके लिए फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल है. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये पहले तीन पैरामीटर्स जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले ये पैरामीटर्स रहेंगे मेरे काम करने के. तो सभी चीजों का एक कैटेगराइजेशन पहले से बना दिया जाता है. ठीक है? इसलिए उसको बार्स बोलते हैं. ओके ओके मैम. देन वी हैव साइकोलॉजिकल अप्रेजल. इसमें ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल अप्रेजल की बात की जाए तो इसमें आपके जो जैसे कहते हैं ना हिडन टैलेंट और हिडन आपने जैसे जो भी एड ऑन्स किए हैं, आपने कुछ एडिशनल काम किए हैं या आपने कुछ आपके अंदर कुछ अच्छे और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, आपकी एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट कोऑपरेट, आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स या आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स, ये सारी भी जो एडिशनल निकल के आती है उसको एनालाइज करके फिर आपके अप्रेजल्स में उसके बेसिस पे बेनिफिट्स भी ऐड किए जाते हैं. ठीक है? यस. देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. सो इसमें आप मॉनिटरी बेनिफिट्स के बेसिस पे मतलब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हो कि हम देखते हैं कि हमने उसको कितना सीटीसी ऑलरेडी दिया हुआ है और उससे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ मनी. वो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ओके. ठीक है? ये सेम ही अनुस से पढ़ लेना एक बार. MBA और 360 तो बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है? ओके मैम. ये वाला पब्लिक रिलेशन पता नहीं आप लोग के इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखना पड़ेगा इसको. आई थिंक एग्जाम में अगर आया होगा पब्लिक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन तब तो हमें पढ़ने की जरूरत है, वरना नहीं है. ओके मैम.
मैम आपने ये पीडीएफ शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें से कुछ कुछ चीजें डिलीट भी करनी पड़ेंगी ना, थोड़ा पढ़ना है मुझे। क्वेश्चन पेपर्स ओके मंगवाया मैंने क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ना, अगर मैं उसके हिसाब से लेती हूँ सिलेबस के हिसाब से, तो मुझसे से मैं टॉपिक्स उड़ा दूंगी। लेकिन फिर वही होता है कि मैंने आपके पहले ना क्वेश्चन पेपर्स भी देखने होते हैं। क्या होता है कि कई बार ना कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स में से ऐसे आ जाता है जो टॉपिक नहीं दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हाँ है, जी मैम। जैसे अभी जैसे ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, इसको कई बार अलग से टॉपिक दे देते हैं। तो फिर हमारे पास अगर हम वैसे सिलेबस देखें तो ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम पे कोई टॉपिक नहीं है ना। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करके फिर भेजती हूँ आपको, जब तक आप पहले ये इसको पढ़ोगे 10 मिनट, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको खत्म लिख लोगे आराम से आप। ओके मैम। ठीक है, इसको फटाफट से पढ़ लो जल्दी से 10 मिनट लगा के, देन वी विल डू दी अदर वन। भरूस पाल लीजिए रितिका। यस मैम यस। नीचे कर ना, ऊपर वाला पैराग्राफ तो पढ़ लिया होगा।
मैम डन। ओके इजी है राइट, बट जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे और हम इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे ये ट्रेड यूनियंस। क्या होते हैं ट्रेड यूनियंस रितिका, एनी आइडिया? नो मैम, नो आइडिया अबाउट दिस। ओके सो ट्रेड यूनियंस बेसिकली देखो जो पर्पस होता है ट्रेड यूनियंस का वो ये होता है कि कभी कोई डिस्प्यूट ना हो जाए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, या अगर डिस्प्यूट है तो उसको एक यू नो एक रिड्रेसल उसका कराया जाए सो दैट वो कंटिन्यू ना हो और वर्क परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना रहे। साथ ही साथ जो भी यू नो कॉम्पनसेशन मिल रहा है वर्कर्स को वो बिल्कुल ही फेयर हो, जेन्युइन हो। लेकिन कहीं ना अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ट्रेड यूनियंस अपने आप में ना एक पावरफुल एंटिटी बनते जा रहे हैं जो कभी कभी स्ट्राइक्स करा देते हैं, कभी कभी मनमानी करते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट को भी मतलब यू नो अदर वे राउंड में परेशान करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेड यूनियन है उसका जो मोटा मोटा एम है वो ये है कि वर्कर्स की कंडीशंस अच्छी रहे, है ना, और वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होती जाए, उनके बेनिफिट्स के लिए बात की जाए, उनके आगे के मतलब वर्क के लिए बार्गेन किया जाए ताकि उनको एक बेटर वर्क एनवायरमेंट मिले, बेटर वर्क स्टाइल मिले, बेटर वेजेस कॉम्पनसेशन मिले। ठीक है, सो ट्रेड यूनियंस बेसिकली मेंटेन एंड इम्प्रूव वर्कर्स टर्म्स एंड कंडीशंस थ्रू बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर्स। दे टॉक टू एम्प्लॉयर्स, दे टॉक टू मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू बार्गेन फॉर द कॉम्पनसेशन दैट इज बीन पेड टू वर्कर्स। सो वर्कर्स ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियंस जो बेनिफिट रहते हैं वो ये कि उसको हायर वेजेस मिले, हायर प्रीमियम्स मिले, फ्रिंज बेनिफिट्स प्रीमियम मिले, जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, है ना, और इनइक्वालिटी ना हो, है ना, किसी तरह की अगर इनइक्वालिटी है भी वेज इनइक्वालिटी वो अपने आप ही कम होती जाए। ठीक है, सो दैट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लेवल जो है एम्प्लॉयज का वो बेटर हो जाए। ठीक है, क्लियर? यस मैम, यस। सो इसमें लिखा है कि व्हाट ट्रेड यूनियंस डू, यूनियंस ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज वर्कप्लेस रिप्रेजेंटेड। नेशनल मिनिमम वेज, ये तो आपको पता होगा कि अब जो है गवर्नमेंट भी मिनिमम वेजेस के ऊपर बात करती है। यस मैम। देन चाइल्ड लेबर ना हो, बेटर सेफ्टी हो, वर्क सेफ्टी, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव रहे, है ना, देन पेरेंटल लीव मिले, जितना भी इनइक्वालिटी है वो हट जाए, उसके लिए इक्वालिटी लेजिस्लेशन लॉ बने, देन जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एक बेटर प्रोटेक्शन मिला जाए, मिनिमम हॉलीडे सिकनेस एंटाइटलमेंट जो छुट्टियां होते हैं बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाए, उसका एक प्रॉपर वे आउट होना चाहिए। तो ये सारे काम आपके ट्रेड यूनियंस करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, उसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस हैं वो और भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे नेगोशिएट करना, जैसे बार्गेन करना एम्प्लॉयर्स के पेमेंट्स के ऊपर, मतलब एम्प्लॉयर्स जो पेमेंट देंगे एम्प्लॉयज को उस पर्टिकुलर काम के लिए, फिर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि रिडंडेंसी बढ़ रही है उसके ऊपर डिस्कस करना, मतलब जो जैसे कह सकते हैं जो प्रोसेस या जो काम जो है वो बेकार है या डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हैं या अननेसेसरी कंजम्पशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का भी और रिसोर्सेज का भी, उसको डिस्कस करना, एम्प्लॉयज के साथ जो कंसर्न है वर्कर्स के वो डिस्कस करना, डिसिप्लिनरी और ग्रीवेंसेस मीटिंग करना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो चार इशू एम्प्लॉयज के मन में आ गया है फॉर द मैनेजमेंट तो वो पूछेंगे उससे, उनसे डिस्कस करेंगे एंड देन दे विल टेक इट टू द मैनेजमेंट और टू द एम्प्लॉयर सो दैट उस तरह के ग्रीवेंसेस को खत्म किया जाए, और उसी के साथ साथ जितने भी लीगल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं वर्कर्स को उनमें भी हेल्प आउट करना, दैट इज द वन ऑफ द टास्क ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, अभी सारा पढ़ने वाला है जो आप पढ़ना है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, वही सब है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करना, वर्किंग कंडीशंस
अच्छे होना करवाना, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, किसी तरह का कोई रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ हो, रिट्रेंचमेंट ले ऑफ क्या होता है, निकालना, तो वो उन चीजों से बचे रहे वर्कर्स ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे, वर्कर्स को उनके टाइमली उनको पीएफ और पेंशन ये सब बेनिफिट दिलवाना, बेटर वर्क पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का कराना, फिर उसमें डिसिप्लिन रखना, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको प्रमोशन ट्रेनिंग के वो एंश्योर करना, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी हाई प्रोडक्टिविटी का ख्याल रखना, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। अब आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस में वही कलेक्टिव बार्गेनिंग, वही बार्गेनिंग वाली बात कि अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करना, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वर्कर्स को ताकि कोई हायरिंग फायरिंग तो नहीं हो रही, मतलब हायर एंड फायर तो नहीं चल रहा ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर ट्रेड यूनियंस जो है वो बनाते हैं। देन कोई अगर डिस्प्यूट या कोई मैटर अनसेटल रह गया उसको सेटल कराना, नेगोशिएट करना, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों में कॉपरेशन लेके आना, और पब्लिक ओपिनियन को इन टर्म्स ऑफ लेबर और वर्कर्स उनका फेवर लेके आना, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी उसके काम में, ट्रेड यूनियन के काम में आ जाती है। अब ये है कि ट्रेड यूनियन रहेंगे तो फायदे क्या होंगे इसको, बट जस्ट वही जो मैंने बताया वही एक बार पढ़ा फटाफट से पढ़ लो इसको रितिका, पॉइंट्स को। ओके मैम। मैम डन। खत्म करो फटाफट। ओके। हुआ नितिना?
मैम डन ओके इम्पोर्टेंट है देखा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब इसका एक रजिस्ट्रेशन का पैटर्न ये पढ़ना है फटाफट से क्योंकि ये थ्योरी ना बाद में नहीं करोगे आप पर अभी छोड़ दी तो फिर छूटी जाएगी और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एक बार इसको पढ़ो फिर मैं एक बार सारा ये तुम्हें बताती हूँ। इसको आप यहाँ से राइट एंड लाइबिलिटी इसके ऊपर मतलब पूरा एक क्वेश्चन ट्रेड यूनियन पे बनता बनता है बड़े उसका। ओके मैम हाँ इसको भी फटाफट से रीड करो जल्दी से फिर जहाँ पे फंसेंगे वो पढ़ेंगे। पहले पूरा रीड करो 10-15 मिनट ले लो खत्म करो पूरा इसको फिर विल डिस्कस एंड क्लोज दिस टॉपिक। ओके मैम
मैम प्लीज स्क्रॉल. कर दो ना ऋतिक, और ऐसे इतना नीचे. यस मैम यस. हाँ समझ में आ रहा है इसका प्रोसेस. बेसिकली देखो लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके यस जो वो है हेडिंग्स वगैरह वो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी. बट इजी है, इट्स नॉट टफ बट इट्स इम्पोर्टेंट. इसलिए फटाफट से एक रीड मार लो. जब मैं अभी नोट्स शेयर कर दूंगी ना तो उसके बाद तो और अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना, आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा ये. ओके मैम ठीक है. मैम डन. मैम डन. ये लास्ट इस तो कर लो, इनकॉर्पोरेशन तो कर लो.
मैम डन। ओके अच्छा ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लाइबिलिटीज ये तो आप बाद में पढ़ लेना इसको, ठीक है। ओके मैम। मोटा मोटा मेथड्स और ये सब ज्यादा आता है। अच्छा शॉर्टकमिंग्स होती हैं कभी कभी, जैसे ये पूछ लेते हैं कि इवन ट्रेड क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेड यूनियंस बनाने के बाद फॉर्म करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो उसमें आप क्या इश्यूज रह जाते हैं, तो ये इस तरह के यू नो वीकनेसेस रहती है, जैसे अनइवन ग्रोथ है। मतलब अगर हम इंडस्ट्री की ही बात करें तो काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ट्रेड यूनियंस नहीं होते, छोटी छोटी जो ट्रेड यूनियन मतलब छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज वगैरह होंगी उसमें मिलेंगे आपको ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस में अभी भी जो मेजर वर्किंग क्लास है उसको टच नहीं किया। ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम या एचआर ये सब तो होते हैं, बट जो प्रॉपर ट्रेड यूनियन टीम्स हैं वो आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिलेंगी, ठीक है। yes, दूसरा स्मॉल साइज, अगर उसमें आपके मेंबर्स इतने सफिशिएंट नहीं है और लोग काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी बढ़ते जा रहे हैं तो वो छोटी पड़ जाती है कई बार ट्रेड यूनियंस उन सबके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तीसरा ट्रेड यूनियंस को चलाने के लिए भी फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो जो सब्सक्रिप्शन रेट है उसमें लो रहेगा, मेनी मेंबर्स डू नॉट पे दैट सब्सक्रिप्शन ऑन टाइम, तो उसकी वैसे ओवरऑल फाइनेंशियल वीकनेस रहती है जिसमें आपके जो ट्रेड यूनियंस है बहुत उभर के नहीं आ पाते। देन ट्रेड यूनियंस के अंदर थोड़ा सा ना पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल और ये सब चीजें भी ज्यादा होती है, तो एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ट्रेड यूनियंस पूरी तरह से जेन्युइन डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। देन कई बार क्या है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं। वन मोमेंट, एक मिनट के बाद। ओके ओके ओके
हम लोग फिर उसके बाद दूसरा ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस की बात कर रहे थे कि क्या कह रहे हैं कि मतलब काफी सारे ना छोटे छोटे यूनियंस बन जाते हैं एक यूनियन के अंदर भी, तो राइवलरी डेवलप होती है, ठीक है ना, यस मैम, उसमें भी फिर ना मतलब जो जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनती है ना, ये यूनियंस बनती है, वो पूरी तरह से सर्व नहीं होता, ठीक है। देन कई बार जो एम्प्लॉयज हैं वो इस तरह से यू नो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लगाते हैं, बनाते हैं कि उसमें ट्रेड यूनियंस जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं नेगोशिएट कर पाते या बार्गेन कर पाते। दूसरा, पेड ऑफिस बेयरर्स बहुत कम रहते हैं, मींस ऑनररी बेसिस पे काम किया जाता है, लिमिटेड टाइम देंगे जो यूनियंस का पार्ट रहते हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स रहेंगे तो उनको भी नॉलेज भी कम रहती है, कई बार उनको ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, कई बार वीक फाइनेंशियल पोजीशन होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं, इन सारी वजह से भी प्रॉपर ये आपकी ये यूनियन सक्सेसफुल नहीं हो पाती, मेंबर्स नहीं रहते, इंटर यूनियन राइवलरी रहती है आपस में, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं दैट एक्चुअली यू नो वीकेंस दी परफॉर्मेंस ऑफ दी ट्रेड यूनियंस, ठीक है। ओके, देन अब लेवल्स ये हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नेशनल ट्रेड यूनियन जो 4 लेवल्स पे हो जाती है, कन्वेंशंस, जनरल काउंसिल, प्रोविजनल बॉडीज और लोकल बॉडीज। ये इसको थोड़ा सा ना डिटेल में आप इसको मैंने नोट्स यहाँ पे डाल दिए, आप लोग इसको पढ़ लेना। ओके मैम, अच्छा, आप कह रहे कि हाउ ट्रेड यूनियन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, मींस कौन से मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू ये ट्रेड यूनियंस अपने काम को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। मैम जो ट्रेड यूनियन होते हैं दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ एचआर. नो नो, एचआर इज अ फंक्शन काइंड, लाइक हम लोग जो मैनेजमेंट फंक्शन, ट्रेड यूनियन इज अ प्रॉपर एक फॉर्म होती है जिसमें ना फैक्ट्री से ही कुछ लोग, पुराने लोग, सीनियर लोग उठाए जाते हैं और वो मिलके एक मतलब एक यूनियन बनाते हैं एंड वो अपने एम्प्लॉयज के लिए मैनेजमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक है, उनकी बात वहां तक पहुंचाना, वहां तक पहुंचाना, प्लस ये इंश्योर कर कि ये यहाँ पे वो रहे, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो एम्प्लॉयज का, है ना, और एम्प्लॉयज उनको फेयर रेम्यूनेशन, फेयर कॉम्पनसेशन दे, ये सारी चीजों के लिए ये यूनियंस बनाई जाती है। मतलब अभी एचआर का कॉन्सेप्ट काफी प्रिवेलिंग है, लेकिन पहले जो है ना, अगर आप पुरानी इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे तो आपको वहां पर ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलेगा। यस मैम, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये मेथड्स दे रखे हैं, जैसे इसमें क्राफ्ट पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, दूसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं, एंड देन दे विल टॉक अबाउट दी कॉम्पनसेशन, दे विल टॉक अबाउट द वे आउट जिससे कि बेटर वो मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके अपने एम्प्लॉयज को, कोई ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, उनको हैंडल किया जाता है, मतलब ग्रीवेंस यानी कि कोई डिस्प्यूट हो गया अगर, तो उसको तरीके से हैंडल किया जाता है, आर्बिट्रेट किया जाता है, कोई कभी कभी यू नो पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है, देन कुछ कुछ सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो गए, ये सारी चीजें करके वो ट्रेड यूनियन से अपना अपना फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट ये बस जस्ट फॉर थ्योरी पर्पस पढ़ लेना, कभी काम आ जाएगा। क्या बेटा क्या हुआ? हाँ
ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर मतलब ये रेफरेंस पर्पस के लिए पढ़ लेना, अगर कोई सिचुएशन आती है ना, तो उसमें यू कैन अप्लाई दिस, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है? ओके मैम, ओके, देन आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एक बार मैं देखूंगी आपके पेपर्स में क्या इन्होंने कुछ डाला हुआ है क्या इसके ऊपर। एक बार वेज पॉलिसी जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ लेना, ठीक है? मैं इसको ठीक है नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ जाए मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट भी है, बट ये अलग यूनिट है पूरा पूरा, मैं जो अलग से बताऊंगी, अभी आज थोड़े बच्चे कम है। ठीक है, देन आज वैसे हमने काफ़ी कवर कर लिया, ये पूरा ही कवर कर लिया, वेज पॉलिसी में एक अलग से यूनिट बताऊंगी, क्या अभी करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसमें आधा रह जाएगा, फायदा नहीं है। मैं चाह रही हूँ ऐसा छोटा टॉपिक और कवर हो जाए अपने टाइम में, ताकि आपका रिक्रूटमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपके इसमें आ जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रिक्रूटमेंट बेसिकली कितने टाइप्स का होता है ना, रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होते हैं। रिक्रूटमेंट तो पता ही है आपको क्या होता है, यस मैम, है ना, कि सही स्किल को चूज करना अमंग द अल्टरनेटिव ऑप्शंस। दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम अंदर से ही लोग उठाएंगे, जैसे कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, किसी को पुराने एक्स जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको वापस से रीएम्प्लॉयमेंट दे दी, है ना। फिर यस मैम, आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आप लोग बाहर के सोर्सेज से, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, या आपने कोई कंसल्टेंसी से उठाए, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर से उठाए, है ना, वो सारे जो मेरे एक्सटर्नल हो जाएंगे। फैक्ट्री लेवल पे हम लोगों ने पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए ओपन किया और हमने फैक्ट्री गेट पे ऑप्शन डाल दिए, लिखा होता है ना फैक्ट्रीज के गेट पे, लिखा होता है ना वर्कर्स यस मैम, करके, है ना। देन एडवर्टीजमेंट्स के सोर्स से लिया, जहाँ से हम लोगों ने अपने ओपन अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी और वहां पे फिर लोगों ने अप्लाई किया तो उनको लेना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, वहां से जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उसको एनालाइज करना, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से करना। देन जो आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहां से एम्प्लॉयज हायर करना, तो कैंपस से रिक्रूटमेंट्स करना। देन यू नो वी ऑल्सो टेक सम ऑफ द रेफरेंसेज और रिकमेंडेशंस, जहाँ से हमें अच्छे वो मिल जाए, एम्प्लॉयज मिल जाए। देन लेबर लेवल पे हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हमारा होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, इसमें उन कैंडिडेट्स को हम लोग निकाल देंगे जो फिट नहीं बैठते इन टर्म्स ऑफ स्किल्स रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रख लिया है ना, उनकी क्वालिफिकेशन रख ली। देन एप्लीकेशन ब्लैंक्स में से हम उन लोगों को उठाएंगे जिनके डिटेल्स जो है, मतलब डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे, जैसे उनका जो डेमोग्राफिक फैक्टर है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, पहले वाला क्यों जॉब छोड़ा, एक्सपीरियंस, ये सारे। देन वी गो फॉर अ रिटन टेस्ट, जहाँ पे हम लोग कोई एक टेस्ट ले लेते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, या पर्सनैलिटी हो गया, या साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए, कोई भी इस तरह का टेस्ट जिससे हम उनका स्किल एनालाइज कर रहे हैं, उनके पर्सोना को एनालाइज कर रहे हैं। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जब जो लोग यहाँ से रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, पीआई के लिए। पीआई में क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है।
अच्छा, अब एक आपके पास टॉपिक आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जब भी हम कुछ जॉब को डिफाइन करते हैं तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन एक टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी उस जॉब में किस तरह का बंदा होगा, उसकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या रोल रहेगा, ये सारा मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। यानी कि जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब रोल, सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव क्या होंगे, और उसको एक्स्ट्रा क्या अलाउंसेस मिलेंगे। एडवांटेजेस में क्या आएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारा जो जॉब है वो एक सिस्टमैटिक और सिंक्रोनाइज वे में हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। कंपनीज जो है सूटेबल कैंडिडेट्स को उठाने में उनके लिए भी हेल्प रहेगी, क्योंकि जब हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया उसी क्राइटेरिया पे, फॉर एग्जाम्पल 80% 90% मैच कर रहा है, तब हम फर्दर आगे ले जाएंगे, नहीं मैच कर रहा तो एलिमिनेट कर देंगे। तो डेफिनेटली एक हेल्प मिल जाती है उसके, है ना, एनालिसिस करने में। एक फ्रेमवर्क रहेगा एक जॉब स्पेसिफाई करने के लिए, और हमें क्लैरिफिकेशन रहेगी कैंडिडेट्स के बारे में, पोजीशंस क्या क्या ओपन है वो एक ओवरव्यू रहेगा, और फाइनली हमें अच्छा वर्क प्लेस एनवायरमेंट बनाने में भी जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और इसमें कुछ ही पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव ज्यादा आएंगे, या कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो पूरी तरह से इग्नोर हो जाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या क्या इश्यूज दिख रहे हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग बिल्कुल स्पेसिफाई कर देते हैं स्किल्स को, कि मेरे को इतनी ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा स्किल चाहिए और ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, वो मेरा स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसको जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा, एग्जाम में कई बार ना ये डिफरेंस, आप डिफरेंस भी पढ़ लोगे तब भी आपको वो आ जाएगा, आप एग्जाम में लिख पाओगे इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने गो थ्रू करना है। एंड इम्पोर्टेंस तो लिख लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला हम लोगों ने टॉपिक खत्म कर लिया है, ये ज्यादा इजी भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है और आता भी है पेपर में। ठीक है, ट्रेड यूनियन, देखो ट्रेड यूनियन हमने मोटा मोटा पढ़ लिया जितना भी है। यस मैम। रिक्रूटमेंट मेथड्स पढ़ लिए सारे, यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3 मेरा खत्म हो गया। हाँ जी मैम। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ लिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी पढ़ लिया, तो अभी काफी हम लोगों ने खत्म कर लिया। अभी बीच बीच वाला जो ये वाले है ना, बोर्डम और वेज एंड सैलरी, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको, जब थोड़ा स्टूडेंट्स भी और बढ़ जाएंगे तो तब थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, सो मोर और लेस हम लोगों ने काफी कंप्लीट कर लिया है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो सैलरी और वो सब कंपोजिशन को भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, चलो आई थिंक गुड टू क्लोज द क्लास ना, थोड़ा सा 10-15 मिनट हम लोग जल्दी ही छोड़ रहे हैं बल्कि। यस मैम। ठीक है, ओके मैम, मेजरली कवर कर लिया है। कोई इशू रितिका, कोई चीज, कोई फीडबैक, कुछ बोलना है? नो मैम, नो इशू येट, अभी ठीक है। यस मैम, चल, ओके ओके देन, थैंक यू।